बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो मैं आज से कुछ दिन पहले तबूक में गया था। जैसा कि आपने मेरी ट्रैवलिंग की वीडियोस देखी होंगी, तो आप दोस्तों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोस्त इतनी माशाल्लाह इज्जत करते हैं, प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे होते हैं। तो आप दोस्तों का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पर मैंने वहाँ पर जाकर एक बड़े और बड़े ही अच्छे शिरके की वीडियो शूट की है। उस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। मतलब कहने का यह है कि ड्राइवर का इंटरव्यू मैंने अलग किया है, जिसमें उसका ट्रिप सिस्टम और गाड़ियों की किस्में, कौन कौन सी गाड़ी शिरके के पास हैं, वो सब ड्राइवर बता रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर शिरके का जो निज़ाम है, उसके बेडरूम्स, उसके किचन और उसका जो ड्राइवरों के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ ड्राइवरों को दे रखी हैं, वो तमाम की तमाम की वीडियो जो है मैंने उसको मैंने एक अलग पार्ट में जो है बनाया है, शूट किया है। तीसरे नंबर पर मैकेनिकों की मैंने 2 वीडियोस अलग से बनाई हैं। चौथे नंबर पर उसी शिरका की वीडियो मैंने आरामको में, जैसे हम लोग गाड़ी लोड करते हैं, ड्राइवर लोग जाते हैं लोड करते हैं, तो उसका पूरा जो प्रोसेस होता है उसकी वीडियो मैंने बाकायदा एक अलग से शूट की है। तो एक शिरका अल दखीलुल्ला, उसके भी मैंने वीडियो शूट कर रखी है। और तीसरे नंबर पर शिरका अल उस्मान की वीडियो भी मैंने शूट करके रखी है। रीज़न क्या है जी, क्यों नहीं आ रही है सोशल मीडिया पर, आपको क्यों नज़र नहीं आ रही है वो वीडियोस? तो रीज़न जी कोई नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा मेरा। तो मैंने जी वीडियो शूट करके उसको एडिट करके उनको बना के रखी हुई हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मेरे फेसबुक पेज पर। उसमें उन फेसबुक वालों ने 2 दिन का मुझे टाइम दिया है कि 2 दिन के लिए आप वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर सकते। तो 2 दिनों के बाद इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। वीडियोस बहुत मैंने अच्छे तरीके से शूट करके आपको पूरी पूरी मालूमात मैंने देने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ताला आप 2 दिन वेट करें, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला डेली की एक वीडियो आएगी। तो आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। एक बात को मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, जो भी मेरे साथ ड्राइवर होता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि जिस शिरका में आप काम कर रहे हैं, इसका वीज़ा आपने कहाँ से लिया था और इस वक्त कहाँ से मिलता है, ये मैं हर ड्राइवर से पूछता हूँ। लेकिन आप वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, फिर आप मुझसे बार बार कमेंट कर रहे होते हैं। हर कमेंट का जवाब देना मेरे भाई इतना आसान नहीं होता, ठीक है? तो आप वीडियोस को जो है वीडियो को तसल्ली से देखा करें, तसल्ली से सुना करें। उसमें ड्राइवर लोग बता रहे होते हैं कि इसका वीज़ा जो है कहाँ से मिलता है, बाई हैंड मिलता है या किसी एजेंसी पर होता है। तो आप वीडियो को तसल्ली से देखा करें, ठीक है? तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये मेरा जो रिस्ट्रिक्शन आई है मेरे पेज पर, बल्कि फेसबुक आईडी पर, तो इसीलिए पेज भी नहीं चल रहा, क्योंकि पेज भी तो आईडी के साथ जो है कनेक्ट होता है। तो इसीलिए 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला वीडियोस का आना, सिलसिला आना शुरू हो जाएगा। तो आपने वेट करना है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको पूरी पूरी मैंने मालूमात देने की कोशिश की। मैं फिर बताता चलूँगा आपको कि शिरका रवात तमीज़ अल आलमी, जिसको इंग्लिश पायनियर्स ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस कंपनी डॉट लिमिटेड, इस तरह उन्होंने लिखा हुआ है, उसकी जो वीडियोस आएंगी वो 4 या 5 हिस्सों में तकसीम होगी, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो बनी थी जो मैंने शूटिंग की थी वहाँ पे। तो आधे घंटे की वीडियो को एक साथ एडिट करना या उसको एक साथ अपलोड करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो मुश्किल से 4 या 5 मिनट की वीडियो देखती है। तो एक एक पार्ट आएगा उसका, आपने सिंपल सर्च करना है फेसबुक या यूट्यूब, कहीं पर भी आप सर्च करें, इंग्लिश में आप लिखें रवाद अल तमीज़, जैसा कि अभी आपके सामने नज़र भी आपको आ रहा होगा। तो रवाद अल तमीज़ पार्ट 1, रवाद अल तमीज़ पार्ट 2, इसी तरह रवाद अल तमीज़ पार्ट 3, 4, 5, ये आप लिखेंगे तो
या मैकेनिक की वीडियो अगर आपको चाहिए, इंटरव्यू चाहिए मैकेनिक का, तो आप लिखेंगे रवात अल तमीज मैकेनिक इंटरव्यू, या मैकेनिक, या सऊदी अरब मैकेनिक, या सऊदी अरब ड्राइवर, कुछ भी आप लिखेंगे तो मेरा वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो वीडियो आपने तसल्ली से देखनी है, तो इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद वही सिलसिला चालू हो जाएगा जो पहले हमेशा से बाकायदगी से मेरी वीडियो रेगुलरली आ रही थी। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने भाइयों को मैं पूरा पूरा गाइड करूँ। तो इंशाल्लाह 2 दिनों के बाद वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी, अल्लाह के बाद।